टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है कैलेंडर, ठीक है जी। आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेटा कैलेंडर, ठीक है जी। कैलेंडर, कैलेंडर टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कई बुक्स में कैलेंडर टेस्ट के नाम से चैप्टर होता है। क्लियर है बेटा? कैलेंडर, कैलेंडर में हमारे पास सबसे पहले किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं उस पर आपको बात करता हूँ, है ना। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैलेंडर के अंदर मोस्टली उन पे बात करते हैं। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में सबसे पहला जो आता है टाइप 1, आपको एक डेट गिवन कर देगा और उस डेट पे आपसे पूछेगा बताइए उस दिन कौन सा दिन था, है ना। व्हेन अ पर्टिकुलर डेट इज गिवन, व्हेन अ पर्टिकुलर डेट इज गिवन, व्हेन अ पर्टिकुलर डेट इज गिवन, आपको कोई भी एक दुनिया में कोई भी कहीं से भी उठा के डेट दे देगा। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको कोई डेट दे दी कि 11th of December 1994, है ना। कोई डेट आपको ऐसे दे दी, बोलेगा बताइए 11 दिसंबर 1994, 11th December 1994 को कौन सा दिन रहा होगा, है ना, आपसे ऐसे बोल देगा। आपको ट्रिक मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। मैं तो अभी सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आती है टाइप 2। टाइप 2 में आपके पास क्या होता है कि आपको एक रेफरेंस डेट गिवन रहती है ना, वी रेफरेंस डेट हमें गिवन रहती है, रेफरेंस डेट इज गिवन, और उस रेफरेंस डेट के हिसाब से वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, है ना। उस रेफरेंस डेट के हिसाब से वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने आपको क्या कह दिया कि भाई 15 अगस्त ऐसा दे दिया, 15 अगस्त 1947, 15th of August 1947 आपको गिवन कर दिया कि भाई इस दिन जो था ना, इस दिन फ्राइडे था। उसने आपको बता दिया कि इस दिन क्या था, फ्राइडे था। और अब इसके रिस्पेक्ट में वो आपसे पूछ ले कि बताइए अगर इस दिन फ्राइडे था तो 26th जनवरी 1950 को क्या रहा होगा, 26th जनवरी 1950 को क्या रहा होगा, ठीक है। बात ये होता है रेफरेंस डेट जो टाइप 2 में हम देखेंगे कैसे होगा, वो अभी पूरा आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो, है ना। अभी तो केवल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसी तरीके से इसमें आता है बेटा टाइप 3 में, टाइप 3 में आपके पास आता है रिपीटिंग कैलेंडर्स। टाइप 3 में क्या आता है बेटा, रिपीटिंग कैलेंडर्स, रिपीटिंग कैलेंडर। रिपीटिंग कैलेंडर से हमारा क्या मतलब है कि कब ऐसा होता है कि जो हमारे कैलेंडर्स होते हैं वो रिपीट करना स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप सब जानते हैं इस समय कौन सा साल चल रहा है, बोलो कौन सा साल चल रहा है इस समय, क्या सबको मालूम है? क्या सब जाग रहे हैं? 2021 चल रहा है क्या, सबको पता है ना 2021, कैसे भूलोगे, है ना। 2020 2021 सालों को आप कैसे भूलोगे, है ना। मजे आ रखी होंगी आप लोगों की तो स्कूल से दूर। वैसे जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसे मजे नहीं आते, है ना, वो तो सोचता है कि यार काश हम स्कूल में ही रहे, है ना। तो रिपीटिंग कैलेंडर्स की बेटा अगर अपन बात कर रहे हैं, रिपीटिंग कैलेंडर जैसे अभी 2021 सब बच्चे बता रहे हैं, तो 2021 में जो कैलेंडर हम लोग यूज कर रहे हैं वही कैलेंडर एज इट इज फिर दोबारा कब यूज किया जा सकता है। यानी कि अगर मैं आज की डेट की बात करूं, जो भी आज की डेट है, मान लो आज 17 तारीख है, तो 17 तारीख 2021 को अगर हम क्या बोल रहे हैं, आज क्या है, मंडे है, तो आपसे वो ये पूछ लेगा कि अगर 17 तारीख 2021 को मंडे जैसे इस बार है, वैसे कौन सा और साल होगा जब 17 तारीख को आज ही के दिन क्या रहा होगा, मंडे रहा होगा। यानी सेम कैलेंडर हम लोग यूज कर पाए, वो आता है रिपीटिंग कैलेंडर। और फिर ऑफकोर्स देर आर मैनी मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम बीच बीच में डील करेंगे, मेजोरिटी ये टाइप 3 की रहती है, ठीक है। खैर इस पे ज्यादा अभी फालतू हमें चर्चा करने की जरूरत मुझे नहीं लगता और है, क्योंकि जो होगा वो तो अभी धीरे धीरे आपको बताते ही चलेंगे, है ना, क्या क्या टॉपिक है कैसे है। चलिए तो कैलेंडर के टॉपिक को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों पर पकड़ बनाने की जरूरत है, क्योंकि जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं ना वो बेसिक से उठकर आते हैं। कुछ बेसिक बातों पर काम करेंगे बेटा। सबसे पहली जो बेसिक बात है वो है ईयर्स के बारे में जानना। किसके बारे में जानना बेटा, ईयर्स के बारे में। सर ये ईयर्स क्या होते हैं, आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे ना कि देर आर टू टाइप्स ऑफ ईयर। ईयर्स में दो तरीके से डिस्टिंग्विश की जाती है। पहला होता है बेटा सिंपल ईयर, पहला होता है सिंपल ईयर। जल्दी से सब बच्चे अपने अपने क्या करें, कीबोर्ड पे या फोन पे बिल्कुल टाइप करने के रेडी है। मैं आपसे पूछने वाला हूँ सिंपल ईयर, बेटा मुझे बताएंगे सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं, जल्दी से सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं बेटा, जल्दी से बताइए। एक सिंपल ईयर में कितने दिन काउंट किए जाते हैं, सबको मालूम है क्या, कोई ऐसा तो नहीं जिसे मालूम नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी, रिप्लाई फास्ट रिप्लाई फास्ट रिप्लाई फास्ट, सबका रिप्लाई आ जाए एक बार तेजी से। चलिए काफी सारे बच्चों का मेरे पास आंसर आ गया, सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं बेटा, 365 डेज होते हैं। एक सिंपल ईयर में बेटा कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। और आप इस 365 डेज को बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, 365 डेज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करो कि इसमें कितने वीक्स आ रहे हैं, 365 को अगर आप 7 से डिवाइड करो कि इसमें कितने वीक्स आ रहे हैं, तो कितने पे जाएगा बेटा ये बोलो। 7 5 आ गया 35, फिर आ गया 1 5, फिर कितना जाएगा, 7 2 14, फिर आ गया 1, यानी कि कुल कितने वीक्स आ गए बेटा, पूरे पूरे 52 वीक्स तो पूरे पूरे बन गए, है ना। एंड देयर इज वन एक्स्ट्रा डे, एक दिन और एक्स्ट्रा है आपके पास,
52 वीक्स तो पूरे पूरे बन गए हैं और एक दिन क्या है बेटा, एक्स्ट्रा है। क्लियर है बात ये? एक सिंपल ईयर, एक सामान्य वर्ष में, सिंपल ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य वर्ष। एक सिंपल ईयर में कुल 365 दिन होते हैं, 365 डेज आर देयर इन विच 52 वीक्स एंड देयर इज वन एक्स्ट्रा डे। उम्मीद करता हूँ कि इस बात में किसी बच्चे को तकलीफ नहीं हुई होगी, है ना? ये तो बहुत सिंपल बात है, इसमें क्या दर्द होना है ना। चलिए, जैसे कि अगला है, जैसे सिंपल ईयर है वैसे ही आपने बचपन में एक और ईयर के बारे में पढ़ा हुआ, दैट इज लीप ईयर। आप सब ने इसके बारे में पढ़ा हुआ, दैट इज लीप ईयर। आप जानते हैं एक लीप ईयर के अंदर कितने दिन होते हैं बेटा, क्या सबको मालूम है? जल्दी से बताइए, आप लीप ईयर को पहचानते हैं? बचपन में आपने इसको देखा हुआ है, एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं बेटा, 366 डेज होते हैं। कितने दिन होते हैं बेटा, 366 डेज। और ऑफ कोर्स जब इसको भी आप बना के लिखेंगे वीक्स में, तो 52 वीक्स तो आपके पास पूरे पूरे आएंगे, एंड देयर विल बी टू एक्स्ट्रा डे, देयर विल बी टू एक्स्ट्रा डे। उम्मीद करता हूं इसी पॉइंट में भी किसी बच्चे को दिक्कत, किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ होगा। बोलो सही बात है, लीप ईयर जिसमें 366 दिन, 52 वीक्स प्लस टू एक्स्ट्रा डे। और एक लीप ईयर कितने सालों के बाद आता है बेटा, कौन कितने सालों के बाद लीप ईयर आता है, जल्दी से बताओ, क्या सबको मालूम है? बोलिए, हर चौथा साल एक लीप ईयर होता है। सबको ये बात मालूम है कि एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर, है ना? इस बात को आप नोट करके लिख लीजिए, अपने पास काम आएगी आगे। क्या? कि एवरी फोर्थ ईयर इज लीप ईयर, एवरी फोर्थ ईयर इज लीप ईयर। लेकिन ये बात पूरी तरह सत्य नहीं है, पूरी तरह सत्य नहीं है बात, अभी बताऊंगा आगे कहां। एवरी फोर्थ ईयर इज लीप ईयर, फिलहाल के लिए तो आप लिख ले एवरी फोर्थ ईयर इज लीप ईयर। यानी कि अगर कोई ईयर लीप है कि नहीं, कोई ईयर लीप है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हाउ टू चेक, हाउ टू चेक अ ईयर इज लीप और नॉट, कोई ईयर लीप है या नहीं है, इज ईयर लीप और नॉट, कोई ईयर लीप है या नहीं है, डिवाइड इट बाय फोर। किससे चेक करते हैं बेटा, डिवाइड इट बाय फोर। किससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड इट बाय फोर। उसको किससे डिवाइड करते हैं बेटा, चार से डिवाइड करते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने चेक करना चाहता हूँ कि 1984 क्या ये लीप ईयर था या नहीं था बेटा, आप लोग बताइए, क्या ये लीप ईयर था कि नहीं था, आप लोग बताइए जल्दी से, क्या लगता है आपको, क्या ये लीप ईयर था या नहीं था? सभी बच्चों का रिप्लाई आ जाए जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है, सभी का आ जाए फास्ट, एकदम तेजी से तेजी से। देखो पूरा यस सर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाई लिख दिया करो, है ना? उसमें टाइपिंग में आपका समय फिर जाता है, आप केवल वाई लिख के भेजे, मैं समझ जाऊंगा कि आप यस बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, बहुत शानदार। तो 1984 पे हमने कहा कि ये लीप ईयर होता है, आपने फोर से डिवाइड किया होगा बेटा। लेकिन एक बात याद कीजिए, पूरे नंबर को फोर से डिवाइड नहीं करते हैं, सिर्फ लास्ट टू डिजिट को फोर से डिवाइड कीजिए। फोर का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है बेटा, कि पूरे नंबर को हमें चार से डिवाइड नहीं करना है, लास्ट की टू डिजिट को ही डिवाइड करेंगे। अगर वो हो गई तो पूरा नंबर भी हो जाएगा, अगर वो नहीं हुई तो पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होने वाला है। तो अगर आप 84 को डिवाइड करें, आपको बड़ी आसानी से दिख जाएगा 21 पे जा रहा है, 4 2 8 4 1 4 डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल ये ईयर कैसा रहा होगा बेटा, लीप ईयर रहा होगा। इस बात में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब ये जो दो ईयर आपने अभी तक पढ़ लिए हैं बेटा, ये जो दो ईयर आपने अभी तक पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़ लिए बेटा, एक तो सिंपल ईयर है सर, और एक कैसा ईयर है सर, लीप ईयर है। एक सिंपल है, एक लीप है। इसके अलावा भी कुछ कैटेगरी हमारे पास है, मैं उन पे आपके सामने बात लेके आता हूँ, ठीक है जी? इसके अलावा जो कैटेगरी हमारे पास है, तीसरे नंबर पे आता है बेटा क्या, सेंचुरी ईयर्स। तीसरे नंबर पे क्या आता है बेटा, सेंचुरी ईयर्स, सेंचुरी ईयर्स। सेंचुरी ईयर्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे ईयर्स जिनके लास्ट में डबल जीरो आए, ऐसे ईयर्स जो 100-100 ईयर्स के गैप पे आए, समझ रहे हैं, जो 100-100 ईयर्स के गैप पे आए, समझ रहे हैं क्या मेरी बात, ऐसे ईयर जो 100-100 ईयर्स के गैप पे आए। जैसे कि बेटा मान लो मैंने क्या कहा, मान लो मैंने क्या ले लिया, जैसे ये 2000, ठीक है, मान लो आने वाला कौन सा है 2100, ठीक है, सबसे पहला सेंचुरी ईयर क्या रहा होगा बेटा 100, उसके बाद क्या रहा होगा 200, और बोलो, मान लो जैसे 1700, मान लो जैसे 1900, उम्मीद करता हूँ ये सारे आपको देख पा रहे होंगे, है ना, 400, मतलब जितने भी जिनके भी पीछे, जिन ईयर्स के पीछे डबल जीरो आ जाए, इन सबकी खास बात क्या है कि इन सबके पीछे क्या आया हुआ बेटा, ध्यान से देखो, डबल जीरो, सबके पीछे डबल जीरो आया हुआ। तो जिन भी ईयर्स के पीछे डबल जीरो आएगा, वो अपने आप में क्या कहलाएंगे बेटा, वो सारे क्या कहलाएंगे बेटा, सेंचुरी ईयर्स कहलाएंगे। बोलो क्या ये बात सबको क्लियर है, जल्दी से, जिनके पीछे बेटा, पीछे का मतलब एंड वाले, है ना, एंड वाले, सबसे लास्ट के दो एंड वाले, ऐसा नहीं कि बीच में कहीं, लास्ट के एंड वाले, है ना, राइट साइड से जब आप काउंट करो तो वो लास्ट की दो डिजिट्स। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक सेंचुरी ईयर किसे कहते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, वो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। मेरा आपसे सवाल ये है बेटा कि सबके पीछे डबल जीरो तो आ ही रहा है, अगर आप इन सबको डिवाइड करके देखोगे,
फोर से डिवाइड करके देखोगे तो ये सबके सब फोर से डिवाइड हो जाते हैं, ये सबके सब फोर से डिवाइड हो जाते हैं। तो क्या ये सारे के सारे लीप ईयर में होंगे? अगर ये सबके सब फोर से डिवाइड हो जाते हैं तो क्या ये सारे के सारे लीप ईयर होंगे बेटा अभी तक की नॉलेज के हिसाब से? बोलिए, अभी तक की नॉलेज के हिसाब से आपने यही पढ़ा है कि जो जो ईयर्स फोर से डिवाइड हो जाते हैं, जो जो ईयर्स फोर से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं बेटा? लीप ईयर। और ये सारे जिनके भी पीछे डबल जीरो आएगा, क्योंकि जीरो तो फोर से डिवाइड हो जाता है, जिनके भी पीछे डबल जीरो आएगा ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा? ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा? जल्दी से बोलो, ये सारे के सारे लीप होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा सीरियल्स के अंदर ना, ऐसे ही होता है ना, एकदम से तीन बार एक ही बात रिपीट करके, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है ना, इंपॉर्टेंट बात होती है, यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेंचुरी ईयर में क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको चेक करना है कि सेंचुरी ईयर है ना, टू चेक क्या बेटा, टू चेक दैट अ सेंचुरी ईयर, टू चेक दैट अ सेंचुरी ईयर इज लीप और नॉट, इज लीप और नॉट, वी डिवाइड इट बाय 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 400। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? हम उसको किससे डिवाइड करते हैं बेटा? 400 से डिवाइड करते हैं, ना कि 4 से। क्लियर है? काफी बच्चों ने मुझे पहले से बता दिया, ऑफ कोर्स मेरे पहले के स्टूडेंट है, 9th क्लास के छोटू मोटू से है ना, वही स्टूडेंट होंगे, पक्की बात है ना? उन्होंने तो पहले ही बता दिया था। तो जो नए बच्चे हैं वो भी इस बात को अच्छे से देखें कि टू चेक दैट अ सेंचुरी ईयर इज लीप ईयर नॉट, एक सेंचुरी ईयर क्या लीप है या नहीं है उसको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं बेटा, उसको किससे डिवाइड करते हैं? उसको 400 से डिवाइड करते हैं। क्या आपको दोनों बातों में समझ आई जो मैं बोल रहा था आपको? कितने बच्चों को अभी ये बात क्लियर है? क्यों करते हैं उस पर मैं अभी डिस्कशन करूंगा, क्यों करते हैं मैं आपको बताऊंगा, है ना? ऐसे तो है नहीं आपको बताएंगे नहीं, आपको बताएंगे कि क्यों करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो ईयर 400 से डिवाइड होंगे केवल उन्हीं को सेंचुरी ईयर कहा जाएगा। तो अगर मैं पिछले पेज पे वापस जाऊं और आपसे पूछूं, बताओ अब इनमें से कौन कौन से हैं जो 400 से डिवाइड हो रहे हैं, 400 से? तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, केवल एक तो ये है जो 400 से डिवाइड हो रहा है, इसे हम दूसरे कलर से सर्कल बनाते हैं, जैसे ये वाला और एक ये वाला। इसके अलावा ना तो ये लीप है, ना तो ये लीप है, ना ही ये लीप है, ना ही ये लीप है, ना ही ये लीप है। समझ रहे हैं क्या आप? ये बाकी के सारे कोई भी लीप नहीं है, बिकॉज वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, वो 4 से हो रहे हैं। लेकिन ये कैसे हैं? ये सेंचुरी ईयर हैं। अगर सेंचुरी को चेक करना है कि वो लीप है कि नहीं, तो आपको किससे भाग देना पड़ेगा? आपको 400 से भाग देना पड़ेगा। बोलो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? जल्दी से एवरीबडी जल्दी से बोलिए, क्या आप सबको ये पॉइंट क्लियर है बेटा? पक्का? चलिए, सब बच्चों ने कह दिया कि यस सर, हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। इसी के बेस पे जो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीप ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीप ईयर। आपके सामने चार ऑप्शन आ रहे हैं खूबसूरत से, ए बी सी एंड डी, ठीक है जी, चार ऑप्शन आ रहे हैं। आप मुझे सही आंसर बता के भेजेंगे बेटा, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर, इनमें से कौन है जो कि लीप है? बताओ बेटा, क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? इनमें से कौन सा है जो लीप है? जल्दी से रिप्लाई भेजो, रिप्लाई भेजो, रिप्लाई भेजो। फास्ट 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 फास्ट, एकदम से तेजी से। चलो बेटा जी, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, पूछ रहा है इनमें से कौन सा लीप ईयर है, तो आपके दिमाग में चमकेगा, आपके दिमाग में क्या करेगा बेटा, आपके दिमाग में चमकेगा, क्या चमकेगा, क्या चमकेगा आपके दिमाग में? आपके दिमाग में चमकेगा कि सर लीप ईयर तो 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन फिर आपके दिमाग में दोबारा चमकेगा कि सबके पीछे डबल जीरो है, यानी सारी सेंचुरीज हैं, सारी सेंचुरीज हैं। और अगर सारी सेंचुरीज हैं बेटा, अगर सारी सेंचुरीज हैं बेटा, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 4 से नहीं 400 से डिवाइड करना है, 400 से करना है, और चारों ऑप्शन में केवल यही ऑप्शन है जो 400 से डिवाइड हो जाता है। समझ रहे हैं? देयर इज ओनली दिस ऑप्शन। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। किस किस का आंसर सही आ गया जल्दी से रिप्लाई भेजो, किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया जल्दी से रिप्लाई भेजो।
पक्का? गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला कंसेप्ट था जो कि किसके पे बेस्ड था, ईयर्स के ऊपर बेस्ड था, ठीक है? जो ये किस पे बेस्ड था, ईयर्स पे बेस्ड था, ठीक है? इसी पे थोड़ी और बातें हम चर्चा करते हैं। जैसे कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बताइए, आप लोग बताइए कि इन फर्स्ट 10 ईयर्स, इन फर्स्ट 10 ईयर्स हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर? पहले 10 सालों में कितने लीप ईयर्स थे? हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर? जो सबसे पहले कैलेंडर के सबसे पहले 10 साल रहे होंगे उनमें कितने लीप ईयर रहे होंगे, आप ये बताइए। पहले 10 सालों में कितने लीप ईयर रहे होंगे बेटा? पहले 10 सालों में जल्दी से बताइए, पहले 10 सालों में कितने लीप ईयर रहे होंगे? क्या सबको क्लियर है बेटा कि सर 2 लीप ईयर रहे होंगे? सबसे पहला तो कौन सा आया होगा, फोर्थ नंबर वाला, और फिर कौन सा आया होगा, 8th नंबर वाला। वही तो 2 होंगे, एक तो जो फोर्थ नंबर पे आया है ना, और एक जो 8th नंबर पे आया, ठीक है बेटा? हमारा जो सबसे पहला लीप ईयर रहा होगा वो रहा होगा 4th नंबर वाला, और फिर क्या रहा होगा, 8th वाला। तो 2 लीप ईयर आए हैं। ऐसे ही मेरा अगला सवाल आपसे है कि हाउ मेनी लीप ईयर्स, पूरा क्वेश्चन वही है, हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर इन फर्स्ट 100 ईयर्स, पहले 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर आए होंगे? एवरीबडी तेजी से रिप्लाई भेजो, पहले 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर आए होंगे? तो बताओ बेटा, बताओ बताओ बताओ, सारे बच्चों का आना चाहिए आंसर। पहले 100 ईयर्स में कितने आए होंगे? एवरीबडी सबका आना चाहिए भाई, सबका आंसर आना चाहिए, जितने भी बच्चे हैं सबका सबका सबका। तो मेरे बच्चे, अगर पहले पहले 100 सालों की बात करेंगे, आप जानते हो कि हर चौथा साल एक लीप ईयर बनकर आता है, हर फोर्थ ईयर एक लीप ईयर बनकर आता है। तो आप 100 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 100 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, 4 2 8, यहाँ आएगा 2, नीचे आएगा 0, 4 5 20, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। यानी कि जो 100th रहा होगा, जैसे वो सबसे पहला तो 4 रहा है, सबसे पहला 4 रहा है, फिर 8 रहा है, फिर क्या रहा होगा, 12, फिर 16, 4 4 के मल्टीपल पे आ रहे होंगे, तो लास्ट मल्टीपल 4 का क्या आएगा बेटा, 100 आएगा। बोलो, लास्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज 100, क्या आप सबको ये पॉइंट क्लियर है? सबसे आखिरी वाला 100 रहा होगा, और ऐसे इस हिसाब से कुल कितने आ गए बेटा, 25। कितने आ गए बेटा, 25। लेकिन आपका दिमाग फिर से यहाँ पर क्या करना चाहिए, चमकना चाहिए, क्या करना चाहिए बेटा, चमकेगा। बोलो क्या करेगा, चमकेगा। चमका कि नहीं चमका, कि जो आखिरी वाला आ रहा है क्या वो लीप है, या ये चोरी छुप के आ गया यहाँ पर? बोलो जल्दी से, क्या ये चोरी से आ गया है कि नहीं आया, जल्दी बताओ, क्या ये चोरी से आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलो, धोखे से आ गया ये, है ना? अभी थोड़ी देर पहले तो इसको क्या कहा था कि बेटा तू लीप नहीं है, सो को क्या बोला था कि तू लीप नहीं है, क्योंकि 100 400 से डिवाइड नहीं होता, ये सेंचुरी ईयर है बेटा, ये सेंचुरी ईयर है। तो इसीलिए फर्स्ट 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर रहे होंगे बेटा, देर आर 24 लीप ईयर्स, देर आर 24 लीप ईयर्स। क्या आप समझ पा रहे हैं कि कुल कितने लीप ईयर्स रहे होंगे, देर आर 24 लीप ईयर्स। पहले 100 सालों में कितने लीप ईयर थे बेटा, 24 थे। कई बच्चों के मन में अभी एक बात ठनकेगी, है ना, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसका मतलब इससे पहले तो 96 आया होगा, इससे पहले 96 आया होगा, तो जो साल था 96, 96 के बाद में अगला लीप ईयर क्या 100 नहीं था? मैंने कहा नहीं था बेटा। तो कौन सा था, 104 था। क्या आप समझ पा रहे हैं, उस दौरान सीधा 8 साल का गैप पड़ा होगा, समझ रहे हैं कि 96 के बाद कौन सा लीप ईयर आया था बेटा, 104 आया था। 96 के बाद कौन सा आया था, 104। 100 पे लीप ईयर नहीं था, 100 पे लीप ईयर नहीं था, ठीक है, 100 पे लीप ईयर नहीं था। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। ये तो था ईयर्स के बारे में, उम्मीद करता हूँ अब से आप ईयर्स को पहचान लेंगे, और कौन सा ईयर लीप है और कौन सा नहीं है वो बात भी आपको सबको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑड डेज। नेक्स्ट जो इसमें कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, दैट इज ऑड डेज। और ऑड डेज को आप लोग प्यार से एक्स्ट्रा डे भी बुलाते हैं, कि किसी के पास कितने एक्स्ट्रा डे हैं उसे भी आप ऑड डेज ही कहते हैं। ऑड डेज क्या होता है, द डेज लेफ्ट आउट ऑफ अ वीक। ऑड डेज क्या होता है बेटा, द डेज लेफ्ट आउट ऑफ अ वीक, द डेज लेफ्ट आउट ऑफ अ वीक, द डेज लेफ्ट आउट ऑफ अ वीक, है ना? किसी वीक में से, वीक बनाने के बाद किसी कुछ आपको दिन दे रखे हैं, उनमें से आपने वीक बनाया, आपको दिन दे रखे हैं उनमें से आपको क्या बनाया, आपने क्या बनाया, वीक बनाया। तो उन वीक में जो एक्स्ट्रा बचेगा उसे ऑड कहेंगे, उन वीक में जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको क्या कहेंगे, ऑड कहेंगे, है ना? आप लेक्चर देखते रहे बेटा, कोई पॉइंट जो आपको क्लियर नहीं हो रहा, जैसे एक बच्चे ने भेजा कि सर वो पॉइंट समझ नहीं आया,
आप उसको बेटा अंडरलाइन कर लो, आफ्टर क्लास आप मुझे फोन कर सकते हो और वो पर्टिकुलर पॉइंट पूछ सकते हो, है ना, क्योंकि मुझे लगता है वर्बल कम्युनिकेशन पे थोड़ा ज्यादा अच्छा आपको समझ में आ जाएगी वो बात, ठीक है। अभी आप बता नहीं पाओगे उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां सर्कल कर लो, लाइन कर लो, ताकि आप क्लास के बाद पूछ सको। चलो बेटा क्या कह रहे हैं, द डेज विच आर लेफ्ट आउट ऑफ अ वीक। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने आपको कितने दिन दिए, मैंने आपको 8 दिन दिए, मैंने आपको क्या किया कहीं से भी उठा के 8 दिन लिया, मार्केट गया 8 दिन खरीद के लाया और आपको दे दिया, मैंने कहा बताओ इन 8 दिनों में से आप कितने वीक बना सकते हो, बताओ बेटा कितने वीक्स आप क्रिएट कर सकते हो इन 8 दिनों में, एवरीबडी हाउ मेनी वीक्स यू कैन क्रिएट, जल्दी से बताइए। एक वीक कर सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटा, ये तो क्लियर है बात। इसमें क्या करेंगे आप 7 डेज को अलग कर लेंगे और 1 दिन को अलग कर लेंगे, इन 7 डेज से आप क्या बना सकते हो, एक वीक बना सकते हो बेटा, इन 7 डेज से आप एक वीक बना सकते हो। तो ये जो बच गया आपके पास, इसे आप कहते हैं ऑड डे, इसे आप कहते हैं ऑड डे, कि यहाँ पर कितने ऑड डे बचे बेटा, एक ऑड डे बच गया, यहाँ पर कितना ऑड डे बच गया बेटा, एक ऑड डे बच गया। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने आपसे कहा बेटा, मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको 15 दिन दिए बेटा, मैंने कितने दिन दिए बेटा 15 दिन दिए, तो मुझे बताइए इन 15 दिनों में कितने ऑड आए होंगे। अगर मैंने आपको 15 दिन दिए हैं बेटा, तो बताइए इन 15 दिनों में कितने ऑड डेज आए होंगे, जल्दी से कितने वीक बना लिए होंगे, तो कितने ऑड। सबका आंसर लगभग सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है कि सर आप इसमें से 14 डेज तो अलग कर लीजिए और 1 डे अलग कर लीजिए, क्योंकि 14 डेज से हम क्या बना लेंगे सर, 2 वीक्स बना लेंगे, 14 डेज से क्या बना लेंगे, 2 वीक्स बना लेंगे और 1 एक्स्ट्रा डे अलग से आ जाएगा, 1 ऑड डे अलग से आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही बेटा आप लोग मुझे बताइए कि अगर कल को आपके पास 28 डेज आ जाए, कितने दिन आ जाए बेटा, 28 डेज आ जाए, तो मुझे बताइए 28 डेज में आप कितने वीक बनाएंगे, कितने ऑड डे आएंगे, कितने वीक आएंगे और कितने ऑड डे आएंगे, एवरीबडी जल्दी से रिप्लाई दो, कितने वीक और कितने ऑड, कितने वीक और कितने ऑड। चलिए लगभग सब बच्चों का आंसर सही आ रहा है कि 28 डेज में सर हम लोग 4 वीक्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और प्लस में 0 ऑड डे बचेगा, बोलो सही बात है, 0 ऑड डे, एक भी ऑड नहीं आएगा क्योंकि सारे के सारे दिन किस में चलेंगे, वीक्स में चलेंगे। ऐसे ही बेटा आप लोग मुझे बताइए कि अगर आपके पास 30 डेज हैं, तो 30 डेज में क्या होगा, बड़े आराम से आप बता देंगे कि सर 4 वीक्स तो अलग आएंगे, 4 वीक्स तो अलग आएंगे, प्लस में 1 एक्स्ट्रा डे आ जाएगा, प्लस में 1 एक्स्ट्रा डे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है बेटा। चलिए ये तो था ऑड डेज का कंसेप्ट, कि आपको ऑड डेज कैलकुलेट करने आनी चाहिए, आपको ऑड डेज कैलकुलेट करने आनी चाहिए, ठीक है बेटा, ऑड डेज कैलकुलेट करने आनी चाहिए। मान लीजिए ये तो छोटे छोटी संख्या थी, मैंने आपको क्या कहा कि आपके पास मान लीजिए बेटा मैंने कहा 286 दिन है, तो बताइए कितने ऑड डेज आएंगे। इफ़ यू हैव 286 डेज तो आप बताइए कितने ऑड डे आएंगे, 286 में से आप कितने वीक्स बना सकते हैं बेटा, जल्दी से बताइए, सोच के बताइए, 286 डेज हैं तो आप कितने वीक्स बना सकते हैं बेटा, एवरीबडी सोच के बताइए। आप जानते हैं आपको वीक्स बनाने हैं। वीक कैसे बनाए जाते हैं बेटा, जब आप 7 से डिवाइड कर दोगे, अगर आपको वीक्स जानने की कितने वीक आएंगे, तो आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो जैसे ही आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से जब आप डिवाइड करेंगे 286 को, तो ये कितने पे जाएगा बेटा, आप जानते हैं कितने पे जाएगा, जल्दी से बोलिए, ये 7 × 4 = 40, दैट इज 280, सही बात है ना, 7 × 40 = 280 आ जाएगा, कितना बच गया 6, यानी बेटा इसमें 40 वीक्स तो कंप्लीट हो जाएंगे, 40 वीक्स तो एग्जैक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, 40 वीक्स पर एक्स्ट्रा डे कितने बचे बेटा, 6। कितने बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है बेटा, क्या आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बोलो क्या आप कैलकुलेट कर पाए कि नहीं कर पाए बेटा, 40 वीक्स आएंगे, है ना। कुछ बच्चे 6 वीक्स कह रहे थे, 6 कैसे हो जाएंगे बेटा, 6 वीक में तो मात्र 42 होते हैं, तो आप डिवाइड गलत कर रहे थे, पकड़े गए, डिवाइड गलत कर रहे थे, पक्का यहाँ 4 करके खत्म, मामला खत्म है, मामला ही खत्म, तो गलती नहीं करनी है ना। चलो सही है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि ऑड डेज कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। अगर नंबर ज्यादा आ जाए तो आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा तो आगे बात करते हैं, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, मेरा आपसे सवाल है, आप सवाल को सुनिएगा कि बेटा अगर एक एक तारीख को, है ना, एक तारीख को बेटा अगर मंडे आ रहा है, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि बताइए दोबारा मंडे कौन सी तारीख को आएगा। अगर एक तारीख को बेटा मंडे आ रहा है,
तो दोबारा मंडे कौन सी तारीख को आएगा मुझे ये बताइए सभी बच्चे। अगर एक तारीख को मंडे आ रहा है तो दोबारा मंडे कौन सी तारीख को आएगा सभी बच्चे बताएंगे। सबको क्लियर है कि सर आठ, सब बोल रहे हैं आठ को आएगा, है ना। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं बेटा, आपने उंगलियों पे कैलकुलेट कर ली थी, आठ तारीख को दोबारा मंडे आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हुई होगी कि जो दोबारा मंडे है वो आठ को आएगा। कोई मुझे बताएगा कि उसके बाद मंडे कब आएगा? आठ को तो आ गया, आठ के बाद कब आने वाला है बेटा? आठ के बाद दोबारा मंडे कब आने वाला है बेटा? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, थोड़ा थोड़ा सा कैलकुलेटिव आप लोग करें, है ना। लगभग सब बच्चे सही बता रहे हैं, थोड़ा बहुत बीच में कोई गड़बड़ कर रहा है। 15 को आएगा बेटा, है ना, 15 को दोबारा मंडे आएगा। तो हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपको एक से आठ पे पहुंचना है, अगर आपको एक से आठ पे पहुंचना है, तो मैं बोल सकता हूँ एक से आठ पे पहुंचने का मतलब या तो आप सीधा सात प्लस कर दे, या आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर एक को आ रहा है तो आठ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। आठ को क्या हो जाएगा कि 1 week + 1। आठ क्या होगा बेटा, आठ क्या होगा, इसको मैं यहां दोबारा लिखता हूं। देखो ये आठ है, आठ को क्या लिख सकते हो आप, 1 week + 1 बोल सकते हैं कि नहीं। 1 week का मतलब 7 होगा, 7 + 1 8 होगा। अच्छा 15 को बोल सकते हैं बेटा अपन 2 week + 1। बोलो क्या ये बात सही है, सब बच्चे पहले यहां तक यस लिखो ताकि मुझे पता चले आपको ये बात क्लियर हो रही है कि 15 को हम लिख सकते हैं 2 week + 1। बोलो बेटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई पाप तो नहीं कर रहा मैं लिखने में। अच्छा तो बेटा आप देख रहे हो कि 1 week + 1 के बाद भी यही आ रहा है, 2 week + 1 के बाद भी मंडे ही आ रहा है। तो अगर ऐसा हो जाए, चलो मैं थोड़ा तेज करता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसा हो जाए कि मान लो 2 week की जगह यहाँ हो जाए बेटा 10 week, 10 week + 1, तो क्या तब भी मंडे ही आएगा? जल्दी बोलो, 10 week + 1 के बाद भी मंडे आएगा? वही तो फिनोमेना चल रहा है सारा। बोलो हर वीक प्लस वन के बाद तो वही आ रहा है, तो इसके बाद भी क्या आने वाला है, मंडे ही आने वाला है। तो इसका मतलब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो बेटा, मैंने आपको एक बात बताई थी अगर आपको याद हो, देखते हैं कितने बच्चों को याद होगी ये बात। अगर ये सिंपल ईयर वाली बात आपको याद है, ध्यान से देखिए, सिंपल ईयर को अपन ने कैसे लिखा था, 52 weeks + 1। बोलो लिखा था कि नहीं लिखा था, 52 weeks + 1 लिखा था कि नहीं लिखा था, लिखा था ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिखा था ना 52 weeks + 1, सब साथ में होना, सारे बच्चे मेरे साथ में ही रहना, है ना, सब बच्चे मेरे साथ में ही रहना। तो कहाँ पहुँच गए, वेट फॉर अ मिनट, ये रहा पेज। चलो बेटा सारे साथ में ही रहना, तो यानी अगर 10 week + 1 की जगह यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, 52 week + 1 कर दूँ, तो इसके बाद भी बोलो क्या आने वाला है, मंडे ही आने वाला है। जल्दी से बोलिए, इसके बाद भी मंडे ही आने वाला है, क्योंकि कितने भी वीक प्लस वन कर दो मंडे ही आएगा। अगर एक तारीख को मंडे रहा था तो इसका मतलब 52 week + 1 के बाद ही मंडे ही आया होगा। इस बात को समझने की कोशिश करना बेटा, एक तारीख से मेरा मतलब है अगर 1st of January को, 1st of January, एक सिंपल ईयर की बात कर रहा हूँ बेटा, सिंपल ईयर की, 1st of January को अगर किसी भी सिंपल ईयर में मैंने कहा मान लो मंडे आया है, और 52 week + 1 के बाद तो मैं आखिरी दिन पे पहुंच जाऊंगा। आखिरी दिन किसी भी साल का होता है बेटा 31st of December, क्या होता है बेटा 31st of December, तो 31st of December को भी क्या आएगा, मंडे ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट कहानी है यहाँ पे, क्या इसको लिख लेते हैं सर, कि अगर 1st January को क्या बोला मैंने, सिंपल ईयर में, किसमें बात हो रही है बेटा, सिंपल ईयर, एक सिंपल ईयर में, सिंपल ईयर में अगर 1st January को मान लो एक्स दिन था, अब एक्स क्या हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, कुछ भी हो सकता है, वो मेरे को नहीं पता, जो भी रहा होगा, तो हमें यह पता है कि 31st of December को भी, 31st of December को भी वही दिन आएगा। बोलो कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है बेटा, जल्दी से बोलिए कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है कि किसी भी सिंपल ईयर में जो दिन पहले दिन होता है वही दिन आखिरी दिन होता है, जो दिन पहले दिन होता है वही आखिरी दिन होता है। जैसे अभी 2021 बेटा कैसा ईयर है, आप लोग जानते हैं 2021 कैसा ईयर है बेटा, सिंपल ईयर है क्या 2021 अपने आप में, कैसा ईयर है बेटा, सिंपल ईयर है। बोलो सही बात है। अब जो दिन 1st of January 2021 को रहा होगा, मुझे तो पता नहीं खैर क्या रहा होगा, जो भी रहा होगा हमें क्या पता, कुछ भी मान लेते हैं बेटा, मान लो ट्यूसडे रहा था, मान लो क्या था बेटा, ट्यूसडे रहा था, तो 31st of December 2021 को भी क्या होगा बेटा, ट्यूसडे ही होगा। जो दिन पहले तारीख को रहा था वही दिन आखिरी तारीख को रहेगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए, जल्दी से बताइए क्या आप मेरी बात समझ पाए बेटा, Everybody, ठीक है, जो दिन पहले तारीख को रहा वही आखिरी को रहा।
और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो। अगर सिंपल ईयर में यहाँ पर बेटा मंडे है तो यहाँ पर भी मंडे है, लेकिन अगर ईयर लीप हो जाए तो लीप में यहाँ पर अगर मंडे है तो बताओ यहाँ क्या होने वाला है फिर? अगर ऊपर मंडे है तो यहाँ क्या हो जाएगा जल्दी बोलो? ट्यूसडे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जल्दी सोचो, क्योंकि इसमें तो एक दिन आगे बढ़ते थे। लीप ईयर में तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, बोलो लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा नहीं होता? तो लीप ईयर में क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो जो दिन यहाँ पर होगा उसमें एक दिन और जोड़ दो तो यहाँ पहुंच जाओगे। समझ के बात ये? इसको भी लिख लेते हैं कि इन अ लीप ईयर, इन अ लीप ईयर, इन अ लीप ईयर, एक लीप ईयर में जो दिन पहली तारीख को होता है दैट इज 1st ऑफ जनवरी को मान लेते हैं बेटा क्या रहा होगा? एक्स रहा होगा। क्या रहा होगा? एक्स रहा होगा। तो 31st ऑफ दिसंबर, 31st ऑफ दिसंबर को क्या हो जाएगा बेटा? x+1 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए बेटा? 31st ऑफ दिसंबर को क्या हो जाएगा? x+1 हो जाएगा। यानी कि मेरा आपसे सवाल है, एवरीबडी सबसे सवाल है कि अगर कभी 1st जनवरी कोई भी लीप ईयर सोचते हैं बेटा, मान लो लीप ईयर हमने क्या लिया, लीप ईयर लिया 2020 ले लिया, लीप ईयर था 2020, 1 जनवरी 2020 को मैंने आपसे कहा कि क्या था बेटा, मान लो मैंने कह दिया आपसे सैटरडे था, क्या था? सैटरडे था। यहाँ लिख लेते हैं क्या था बेटा, सैटरडे था। मैंने आपसे ये कहा सैटरडे था, तो आप लोग बताइए कि 31st ऑफ दिसंबर, 31st ऑफ दिसंबर 2020 को क्या रहा होगा? जल्दी से, संडे रहा होगा। सबको क्लियर है मामला? क्योंकि ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में एक दिन आगे जाएगा, लीप ईयर में एक दिन आगे जाएगा। सबको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई है? चलिए बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबको मामला क्लियर है। ठीक है, इसी पे मान लीजिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन क्या है मेरा, जल्दी दिखिएगा कि मैं ये कहता हूँ कि बेटा कि 1st जनवरी, 1st जनवरी मान लो मैंने आपसे कहा कि 1942 को क्या था बेटा? मंडे था, मंडे था। आप लोग मुझे बताइए कि, आप लोग मुझे बताइए कि 2nd जनवरी, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को और आराम से करना, 2nd जनवरी 1944 को क्या रहा होगा? चलो बेटा सब बच्चे जरा ट्राई करो, सब बच्चे जरा ट्राई करो, एवरीबडी ट्राई करो। अगर 1st जनवरी 1942 को मंडे था तो 2nd जनवरी 1944 को क्या रहा होगा? सबको ट्राई करना है। चलो बेटा करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1st जनवरी 1942 इज अ सिंपल ईयर, तो जो सिंपल ईयर में पहली तारीख को होता है वही आखिरी तारीख को होता है, 31st ऑफ दिसंबर को। तो अगर पहली जनवरी को मंडे था तो 31st दिसंबर को भी मंडे ही रहा होगा। अगर 31st दिसंबर, लिख लेते हैं इस बात को, अगर 31st दिसंबर 1942 को बेटा मंडे था, जो पहला दिन था वही आखिरी होगा, है ना? तो आप अगला जो साल का होगा 1st जनवरी 1943, समझ रहे हैं? ये तो 42 पे साल खत्म हो गया और अगला साल 43 पे आया, पहला जनवरी। तो अगला दिन कब आ रहा होगा बेटा? ट्यूसडे। जब पिछला दिन मंडे है तो उसका अगला दिन क्या रहा होगा? ट्यूसडे। अब 43 भी कैसा ईयर है? सिंपल ही है। अगर ये भी सिंपल है, अगर ये भी सिंपल है तो 31st दिसंबर को वही दिन रहा होगा जो पहली जनवरी को था, यानी 31st दिसंंबर 1943 को भी क्या आएगा बेटा? बोलो क्या आएगा? ट्यूसडे ही आएगा। सबको क्लियर है क्या ये? 31st दिसंबर 1943 को भी क्या आएगा? ट्यूसडे ही आएगा। अब क्योंकि 31 दिसंबर 1943 को ट्यूसडे था, तो जो अगला साल रहा होगा 1944, उसका पहला दिन वेडनेसडे, पहला दिन तो वेडनेसडे, और हमें दूसरा दिन पूछ रहे हो, दूसरा दिन क्या होगा? वेडनेसडे के बाद क्या रहा होगा बेटा? बोलो। वेडनेसडे के बाद रहा होगा क्या? थर्सडे। किस किस का आंसर सही आ गया जल्दी बोलो, किस किस का आंसर सही आ गया? एवरीबडी क्लियर है क्या? है ना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियर होगी होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, अब मैं सबसे पहले, क्योंकि आज का समय थोड़ा कम रह गया है, आई गेस अभी 10-1 मिनट बाकी है, तो मैं पहले जो छोटा टॉपिक है वो करा देता हूँ आपको। सबसे पहले आज क्वेश्चन कर लेते हैं हम रिपीटिंग कैलेंडर्स। चलो बेटा सुनेंगे ध्यान से, रिपीटिंग कैलेंडर्स क्या होता है? रिपीटिंग कैलेंडर्स में उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि बेटा मैंने आपसे ये कहा, मैंने आपसे ये कहा कि
अगर पहले मैं मंथ्स के अंदर बात कर लेता हूँ, मंथ्स के अंदर बात कर लेता हूँ, जैसे अभी कौन सा मंथ चल रहा है आप लोग जानते हैं, अभी कौन सा मंथ चल रहा है बेटा जल्दी से बताएंगे, क्या अभी मई चल रहा है, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, मई चल रहा है ना, मई का महीना चल रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा मैंने आपसे ये कहा कि अगर आप ध्यान से सुने, मैंने आपसे क्या कहा कि मई के अंदर कितने ऑड डे होते हैं मुझे ये बताइए, मई के महीने में कितने ऑड डे आएंगे, कितने एक्स्ट्रा दिन आएंगे। आप जानते हैं मई में वैसे कितने दिन होते हैं बेटा, मई के महीने में कितने दिन होते हैं सब जानते हैं क्या, 31 होते हैं, बोलिए मई के महीने में 31 दिन होते हैं बेटा। अगर 31 दिन है तो ऑड क्या आएगा, ऑड बताइए, आपको याद है ऑड निकालना सिखाया था मैंने आपको, अगर मई के महीने में 31 दिन है तो ऑड क्या आएगा, एवरीबडी जल्दी से बताइए, अगर मई के महीने में 31 दिन है तो ऑड क्या आएगा, 3 आएगा, सबको क्लियर है, क्योंकि 28 दिन तो अलग निकल जाएंगे बेटा। तो आपको पता है कि मई में सर 3 ऑड डे आएंगे, मई में कितने ऑड आएंगे, 3। मई के बाद क्या था बेटा, मई के बाद क्या था सबको पता है, जून है ना, और जून में बेटा आप जानते हैं जून में होते हैं 30 दिन, तो 30 दिन का मतलब इसमें कितने ऑड डे आएंगे, 2 आएंगे, बोलो इसमें कितने आएंगे, 2 आएंगे, सही बात है क्या, क्लियर है सबको ये बात भी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद बेटा जुलाई में, जुलाई में बेटा कितने दिन होते हैं सबको पता है, 31 होते हैं, तो जुलाई में भी कितने ऑड डे आएंगे बेटा, 3 आ जाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, जुलाई में भी कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑड मंथ्स के अंदर तो सबको क्लियर है, मंथ्स के अंदर तो सबको सारा मामला क्लियर ही है, ठीक है, मंथ्स के अंदर किसी भी बच्चों को मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप लोग मुझे ये बताइए कि अप्रैल, अप्रैल में आप सब जानते हैं कि कितने दिन होते हैं, अप्रैल में होते हैं बेटा 30 दिन, तो उसके कितने ऑड आएंगे, 2। अप्रैल में कितने होते हैं 30 दिन, तो उसके आएंगे 2। अप्रैल के बाद बेटा मई आता है, मई में कितने आएंगे बेटा, मई में आएंगे 3। उसके बाद जून आता है, जून आपने अभी लिखा ही है, जून में आ गए 2। कोई मुझे बताएगा कि अभी तक इन सबका सम कितना हो चुका है, अगर मैं इन सबको जोड़ू तो सम कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए कि आप सब ऐड करना जानते हैं, जल्दी से बताइए कि आप सब ऐड करना जानते हैं, सबको आता ही होगा ये ऐड करना, बिल्कुल, अबे ये ऐड करना है, ये वाली चीज, ये वाला, बस इतना है ना, 7 कितना आ जाएगा, 7, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 2 + 3 5, 5 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, 7। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि 7 का साइकिल कंप्लीट हो गया। 7 का साइकिल कंप्लीट होने का क्या मतलब होता है, आप जानते हैं कि हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है, अगर आप आज की बात करें तो आज से 7 दिन बाद यही दिन वापस आएगा, फॉर एग्जांपल अगर आज क्या है, आज मंडे है, तो 7 दिन बाद भी क्या आएगा बेटा, मंडे ही आएगा, 7 दिन बाद भी क्या आएगा, मंडे ही आएगा। तो जैसे ही 7 का साइकिल कंप्लीट हो गया, जो आने वाला मंथ होगा, कौन सा मंथ गया, जून, अब आने वाला कौन सा, जुलाई, तो जो आने वाला मंथ होगा उसका कैलेंडर, उसका कैलेंडर और जो सबसे पहला था अप्रैल का जहां से शुरू किया था, इन दोनों का कैलेंडर सेम होगा, इन दोनों का कैलेंडर सेम होगा, यानी कि जो दिन 1 अप्रैल को होता है बेटा, वही दिन कब होता है बेटा, 1 जुलाई को भी होता है, समझ रहे आप बात नहीं, यानी अगर कभी किसी कैलेंडर में 1 अप्रैल को, कभी किसी कैलेंडर में 1 अप्रैल को मान लीजिए मंडे है, तो 1 जुलाई को भी क्या होने वाला है, मंडे ही होने वाला है, मंडे ही होने वाला है, यानी कि अप्रैल और जुलाई में हमेशा कैलेंडर क्या आएगा बेटा, सेम आएगा, अप्रैल और जुलाई में हमेशा सेम आएगा। कैसे कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग, कैसे कैसे सर हम लोग चेक कैसे करें, आप तो वो बताओ कि हम चेक कैसे करें बार बार। मैंने कहा ध्यान से देखो, मान लो मैंने आपसे ये पूछा कि बेटा एक बात बता, बेटा एक बात बता कि सितंबर का कैलेंडर कब सेम आएगा, सितंबर का कैलेंडर किसके साथ सेम आएगा, मैंने कहा चेक करके बताओ, तो सबसे पहले सितंबर के ऑड डे लिख लो, सितंबर के ऑड डे कितने होते हैं बेटा, क्या 2 होते हैं, जल्दी से बताइए, सितंबर में 30 डेज होते हैं, 30 डेज का मतलब 2 ऑड डे आएंगे कि नहीं आएंगे, सबको क्लियर है, 30 डेज का मतलब 2 ऑड डे आएंगे। सितंबर के बाद क्या आता है बेटा, अक्टूबर, अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, तो यहाँ 3 आएगा। फिर क्या आता है बेटा, नवंबर, नवंबर में कितने और डेज होते हैं बेटा, 2 होते हैं। अब जरा ऐड करके देख लो यहाँ तक, क्या 7 खत्म हो गया, 3, 2, 5 और 2, 7, हाँ सर 7 का साइकिल कंप्लीट हो गया। अगर साइकिल कंप्लीट हो गया तो जो नेक्स्ट आने वाला मंथ होगा, दैट इज कौन सा बेटा, दिसंबर, दिसंबर का कैलेंडर और सितंबर का कैलेंडर सेम आएगा। बोलिए क्या आपको यह पॉइंट क्लियर है कि दिसंबर का कैलेंडर और सितंबर का कैलेंडर कैसे आएगा बेटा, सेम आएगा, ठीक है। हर बार ऐसे चेक करना है, याद करने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो कि यार मैं याद करूंगा इतने सारे, नहीं नहीं याद नहीं करना, आपको सिर्फ, आपको सिर्फ इस प्रकार देखना है बार बार चेक करके, ठीक है, आपको सिर्फ इस प्रकार देखना है बार बार चेक करके। चलिए मेरा आपसे सवाल ये है, बताइए कि क्या जनवरी, जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर सेम आता है कि नहीं आता है, जल्दी से बताइए, सब बच्चे चेक करो, क्या जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर सेम आता है कि नहीं आता है, एवरीबडी चेक इट डाउन, क्या जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर सेम आएगा कि नहीं आएगा।
चलो बेटा मैं बता देता हूँ, अगर आप चेक करोगे जैसे जनवरी दिया हुआ है, जनवरी में ऑड डे होते हैं बेटा 3, क्योंकि 31 डेज होते हैं जनवरी। फिर फरवरी, अब फरवरी में आप जानते हैं या तो 28 दिन होते हैं या फिर 29 होते हैं, लीप ईयर में 29 दिन होते हैं बेटा। तो सिंपल ईयर जब है तब तो 0 आएगा, क्योंकि 28 के 28 दिन तो वीक बन गए, और अगर लीप ईयर है तो क्या आएगा बेटा, 1 आएगा। ये डिपेंड करता है कि सिंपल ईयर है या फिर लीप ईयर है। जनवरी फरवरी, फिर क्या आएगा बेटा मार्च, मार्च में फिर 31 दिन होते हैं तो इसमें 3 आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर एक सिंपल ईयर है तो 3 और 0 0 0 और 3 6, तो यहां पर तो 6 बना सिंपल ईयर में, तो 6 बना। लेकिन अगर आप लीप ईयर की बात करें 3 और 1 4 4 और 3 7, यहां पर 7 बन गया। यानी कि अगर एक लीप ईयर है तब तो जनवरी और मार्च का कैलेंडर सेम आएगा, क्योंकि वहां पर 7 का साइकिल कंप्लीट हो गया है। अगर लीप ईयर है तो जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर सेम आएगा, लेकिन अगर सिंपल ईयर है तो जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर सेम नहीं आएगा। बोलो सही बात है, अगला आने वाला मंथ अप्रैल होने वाला है ना, ठीक है। फरवरी का बेटा अगर फरवरी में लीप ईयर है तब तो 1 दिन आएगा, क्योंकि लीप ईयर में 29 डेज होते हैं ना। फरवरी में, फरवरी जो होती है आपकी, अगर सिंपल ईयर है, दो होते हैं, या तो सिंपल ईयर होगा या फिर क्या होगा बेटा, लीप ईयर होगा। तो सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं, 28, और लीप ईयर में कितने होते हैं, फरवरी में 29। तो यहाँ तो ऑड डे 0 हुआ, क्योंकि 28 के 28 दिन वीक बन गए, और यहाँ कितना होगा बेटा, 1 होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर है सबको, चलिए बहुत बढ़िया, सब बच्चों को ये बात क्लियर है। तो जैसे आपने बेटा, जैसे आपने देखा क्या कि मंथ्स में इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं कि कब कब हमारा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। 7 डेज का साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। फेब्रवरी का चेक कर लो ना बेटा, फेब्रवरी को स्टार्ट करो, चलता जाएगा। हो सकता है 7 पे ना हो, 14 पे जाके हो, 14 पे ना हो, 21 पे, तो 7 का साइकिल कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, है ना। वो तो आपको चेक करना पड़ेगा बार बार इसी तरीके से करके, क्लियर है। चलिए बेटा आगे जो आपके पास क्वेश्चन आता है कि ईयर्स में अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल बेटा अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2021। अभी कौन सा ईयर चल रहा है बेटा, 2021। मैं जानना चाहता हूँ कि 2021 का जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा। तो 2021 के साथ हम कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि 2021 में ऑड डेज कितने आएंगे ये बताओ। क्या आपको याद है ये सिंपल ईयर, और सिंपल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे आते थे, किसी भी सिंपल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे आते थे बेटा, बोलो। किसी भी सिंपल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डे आते थे, क्या आप सबको याद है। किसी भी सिंपल ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन आता था, बाकी सारे वीक बनते थे, 52 वीक्स बनते थे, केवल एक एक्स्ट्रा दिन आता था। तो हम बोल सकते हैं कि 2021 में एक्स्ट्रा डे आएगा एक। आप लोग जानते हैं 2022 भी सिंपल ईयर है तो उसमें भी कितना आएगा, एक बेटा। 2023 भी सिंपल ईयर है तो उसमें भी कितना आएगा, एक। कोई मुझे बताएगा 2024 में कितने आएंगे, 2024 में कितने आएंगे, जल्दी से बोलिए। क्या उसमें 2 आ जाएंगे, क्योंकि वो लीप ईयर है और लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होते थे, तो यहाँ पर आ गया 2। ऐसे ही 2025 में अगर आप देखेंगे तो बेटा कितना आ रहा है, एक। 2025 में देखेंगे तो कितना आ रहा है, एक। 2026 भी सिंपल ईयर है तो एक। जरा देख लो कि क्या 7 का साइकिल कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7, क्या 7 का साइकिल कंप्लीट हो गया बेटा, क्या 7 का साइकिल कंप्लीट हो गया, जल्दी से बताओ। क्या सबको नजर आ रहा है कि 7 का साइकिल कंप्लीट हो गया है। अगर 7 का साइकिल कंप्लीट हो गया है, अगर 7 का साइकिल कंप्लीट हो गया है तो हम क्या बोलेंगे बेटा, हम क्या बोलेंगे जल्दी से बोलो। अगर 7 का साइकिल कंप्लीट हो गया तो आने वाला साल कौन सा है, ये तो 26 तक तो हो ही गया, आने वाला साल कौन सा, 2000 बोलो 27। तो 2027 का जो कैलेंडर होगा वो सेम होगा जो किसका है, 2021 का है, क्लियर है। 2027 का जो होगा वो सेम होगा जो 2021 का है। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा, 7 का साइकिल वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा कि हर 7 7 के साइकिल के बाद हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है, हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है बेटा, चलो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, है ना, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। एक और कर लेते हैं जल्दी से, एक और कर लेते हैं, है ना। मान लो बेटा आपको बोल रहा है कि 2006 को चेक करना है, 2006 को, तो आप स्टार्ट करिए। 2006 में कितने सिंपल ईयर होंगे बेटा, सिंपल ईयर है तो एक एक्स्ट्रा दिन होगा। फिर 2007 भी सिंपल ईयर है तो इसमें भी क्या होगा, एक एक्स्ट्रा डे होगा। लेकिन 2008 एक लीप ईयर आ गया बेटा, 2008 एक लीप ईयर आ गया, तो लीप ईयर में आप जानते हैं 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। ऐसी 2009 की बात करोगे तो उसमें कितना होगा बेटा, एक। 2010 की बात करोगे तो उसमें भी एक। 2012 की बात करोगे तो उसमें 2। एक बार चेक कर लो बेटा, क्या 7 का साइकिल हुआ कि नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी नहीं हुआ क्योंकि 8 पे पहुंच गए ना, 7 से आगे पहुंच गए, तो उसके बाद हम किसको चेक करेंगे, 7 के साइकिल पे 14 को चेक करेंगे। ऐसे ही 2013 पे चेक करते हैं बेटा, 2013 में एक, सही बात है। फिर 2014 में कितना आएगा बेटा, उसमें भी एक। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। लीप ईयर वगैरह देखना तो आप सबको आता ही है बेटा, ठीक है। तो 2014 में भी एक,
2015 में भी एक, कितने हो गए एक बार काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ग्यारह तक पहुंच गए, है ना, 11 तक पहुंच गए। 2011 रह गया, ओहो माई मिस्टेक, बीच में 2011 कहीं पे रह गया बेटा, उसको भी आप यहाँ लिख ले, है ना। चलो लिख लेते हैं यहीं पे छोटू सा बना के, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना बेटा, मैंने मिस कर दिया उसको, 2011 में एक, ठीक है, 2011 बीच में ही लिखा हुआ भाई, ठीक है, ध्यान दे देना। तो ओवरऑल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हो गया है, 12 तक हो गया। तो आप जैसे ही 16 लाएंगे, 16 तो लीप ईयर है, तो लीप ईयर में कितने, दो, अब 12 तक हो गया था, 13 14, अब 14 का साइकिल कंप्लीट हो गया। क्या 14 का साइकिल कंप्लीट हो गया बेटा, जल्दी बोलो, 7 का साइकिल ही तो है, 14 का मतलब क्या, 7 का साइकिल जैसे ही कंप्लीट हुआ, तो आने वाला साल कौन सा है बेटा, 2017। आने वाला साल कौन सा है बेटा, 2017। आने वाला साल कौन सा है बेटा, 2017, ठीक है, बोलो 2017, है ना। अब रितेश का एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि सर अगर आप यहाँ पर देखो तो यहीं पर 7 कंप्लीट हो गया था। रितेश ने एक बहुत अच्छा पॉइंट लाया कि यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर यहीं पे यहीं तक देख लो। मैंने कहा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सबको नजर आ रहा होगा कि 11 तक आते ही 7 कंप्लीट हो गया था, तो 12 2012 का सेम होना चाहिए था। लेकिन रितेश बेटा यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है कि 2006 एक सिंपल ईयर था, 2006 एक कैसा ईयर था बेटा, सिंपल ईयर था, और 2012 जो आ रहा है वो कैसा ईयर है बेटा, वो लीप ईयर है। तो किसी भी सिंपल ईयर और लीप ईयर का कैलेंडर पूरा सेम नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है सोच के देखो, किसी भी सिंपल ईयर का और लीप ईयर का कैलेंडर सेम नहीं हो सकता है, सही बात है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बात ये, इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो 2016 पे आगे खत्म हुआ, तो 2017 भी एक सिंपल ईयर है, ये भी कैसा है, एक सिंपल ईयर है, तो इन दोनों का कैलेंडर पूरा सेम होगा, इन दोनों का कैलेंडर पूरा सेम होगा। यहाँ पर आके मैं अब आपको, क्योंकि अब हमारी क्लास का समय हो गया है, मैं लास्ट में एक ट्रिक बताता हूँ, लेकिन वो ट्रिक एक जगह फेल भी होती है, वो मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा, कल भी क्लास रखूंगा, ठीक है ना। तो कल हम इसी से आगे बढ़ेंगे, ट्रिक क्या है, मैं ट्रिक पे आज आपको छोड़ के जा रहा हूँ ताकि आप लोग कल की क्लास में उत्साहित रहें। चलिए, जो भी लीप ईयर होता है बेटा, लीप ईयर जो होता है वो 28 साल बाद रिपीट करता है, 28 ईयर्स के बाद। अगर लीप प्लस वन है बेटा तो वो 6 साल बाद रिपीट करता है, लीप प्लस टू 11 साल बाद रिपीट करता है, एंड लीप प्लस थ्री भी 11 साल बाद रिपीट करता है। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आप सबको क्लियर होगी। कोई भी लीप ईयर 28 साल बाद रिपीट करेगा कैलेंडर, अगर लीप प्लस वन है तो 6 साल बाद, लीप प्लस टू है तो 11, लीप प्लस थ्री है तो 11। सर ये लीप प्लस वन का क्या मतलब, मैंने कहा बेटा ध्यान से सुन, मान लो मैंने एक लीप ईयर कंसिडर किया 2004, तो 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2004 में 28 जोड़ दो, कब रिपीट होगा, 2032 में, समझ रहे हो, सीधा आंसर, सीधा आंसर, 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2032 में। मान लो लीप प्लस वन, अब लीप प्लस वन का एक एग्जांपल हमने किया था बेटा, ये था देखो 2021, आप जानते हो 2000 में लीप आया होगा, तो ये कैसा है बेटा, लीप प्लस वन है, बोलो 2000 में तो लीप आया था, ये लीप प्लस वन है, लीप के अगला साल, तो ये वाला लीप प्लस वन कितने साल बाद, 6 साल बाद, जैसे 2021 में 6 जोड़ोगे तो क्या आ गया, 2027 आ गया, 2021 में 6 जोड़ोगे तो क्या आ गया, 2027 आ गया। ऐसे जो अगला एग्जांपल हमने किया था ये क्या था बेटा, लीप प्लस टू था, आप जानते हैं कि 2004 में लीप आया होगा, 2004 में क्या आया होगा बेटा, लीप ईयर आया होगा, तो ये कैसा है बेटा, लीप प्लस टू है, जल्दी से बोलो ये कैसा है बेटा, लीप प्लस टू है, तो लीप प्लस टू कितने साल बाद रिपीट होता है, लीप प्लस टू कितने साल बाद, 11 साल बाद, तो जैसे इसमें 11 जोड़ोगे, 11 जोड़ने पर क्या आ गया बेटा, 2017 आ गया, 11 जोड़ने पर 2017 आ गया। किस किस को ट्रिक क्लियर है जल्दी से बोलो, किस किस को ये ट्रिक क्लियर है बेटा, बोलिए सबको क्लियर है, लेकिन ये ट्रिक एक जगह पे जाके फेल भी होती है, वो मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है, ये ट्रिक एक जगह फेल भी होती है, वो मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ, है ना, आपसे कल के लेक्चर में मिलते हैं, सभी से गुड बाय एवरीवन।